यह कानून इस देश के पिछड़ों के खिलाफ है। जो ठेला चलाने वाला, जो कुली है, जो मजदूरी करता है, जो सर पर ईटा ढोता है, जो गाड़ी चलाता है, टेम्पो चलाता है, वो अपने पिताजी का बर्थ सर्टिफिकेट कहां से लाएगा भाइयों? यह कानून टेम्पो चलाने वाले के खिलाफ है, यह कानून मजदूरी करने वाले के खिलाफ है, यह कानून कुलियों के खिलाफ है, यह कानून गरीबों के खिलाफ है, कुल मिलाकर यह कानून देश की जनता के खिलाफ है। मुसलमानों के लिए ही राहत कम क्यों बनते हैं, यह सवाल पूछा जाना चाहिए। और यह जो दंगा लफ्ज है, यह दंगा लफ्ज तो भारत के लिए बना हुआ ही नहीं है। इस देश में नरसंहार शब्द का प्रयोग होना चाहिए। हम खुलकर कहना चाहते हैं, इस देश में दंगे के नाम पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का नरसंहार हुआ है। यह जो मोदी शाह और भागवत वाली सरकार है, इस सरकार की नीति स्पष्ट है, दलितों को डराओ और मुसलमानों को मारो। इस सरकार की नीति स्पष्ट है कि दलितों को डराओ और मुसलमानों को मारो, ताकि दलितों को भी भगाया जा सके। साथियों, हम जिस समाज से आते हैं, हमें हाशिए पर रखा गया है और हमने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से आज हम आपके बीच खड़े हैं। मेरे दादा भैंस चराते थे दूसरे का, और आज हम कोट पैंट पहनते हैं उस बाबा साहब के संविधान की वजह से, और जिसकी वजह से आज यह हो पाया है, उस आरक्षण पर भी यह सरकार हमले कर रही है। आप पर NRC CAA का हमला है और हमारे आरक्षण पर हमला है। आरक्षण पर हमला होने से ऐसा नहीं है कि सिर्फ दलितों और ओबीसी और आदिवासियों पर प्रभाव है, मुसलमानों के भी एक बड़े आबादी 70% मुसलमानों को भी मंडल कमीशन के अंतर्गत आरक्षण का लाभ मिलता है। ये अलग बात है कि आपको उस लाभ से दूर कर दिया गया है। एक और बात साथियों, एक बहुत भ्रम फैलाया जाता है हमारे लोगों के बीच कि मुसलमान हमारे दुश्मन है, मुसलमान हमारे दुश्मन है। दिल्ली दंगे से पहले बड़ी संख्या में दलित जो है मुसलमानों के खिलाफ दंगे में शामिल होते थे, इस बात से हम इनकार नहीं करते हैं। लेकिन 2020 की तस्वीर दूसरी है। इस सीलमपुर में उन हिंदुओं को दलितों ने रोका, दंगा होने से रोका है, दलितों के नरसंहार से रोका है, दलितों ने रोका है। साथियों, स्थिति बदल गई है। आज की तारीख में दलितों और मुसलमानों का रिश्ता दर्द का रिश्ता है। हम सब सवर्णों के सताए हुए हैं, सवर्ण हिंदुओं के सताए हुए हैं। आपका दर्द हमारा दर्द एक ही है साथियों, हम दोनों एक ही दर्द से जूझ रहे हैं। हम अपने लोगों के बीच जाते हैं जब, तो समझाते हैं कि बताओ भाई, आज तक आरक्षण के खिलाफ कोई मुसलमान अपने देह में आग लगाया है क्या? आज तक दलित ओबीसी आरक्षण के खिलाफ आज तक किसी मुसलमान ने कोई फेसबुक ट्विटर पोस्ट किया है क्या? आज तक आरक्षण के खिलाफ कोई मुसलमान कोई रैली निकाला है क्या? कभी कुछ बोला है क्या? नहीं बोला है। तो फिर दलित का दुश्मन मुसलमान कैसे हो गया? दलित का दुश्मन तो सवर्ण ब्राह्मण है। यह चीज हमारे लोगों को हम खुद समझाते हैं और यह समझना पड़ेगा, यह समझने की जरूरत है। यह जो जहर बोया जा रहा है, इसको हर स्तर पे समझना पड़ेगा। दूसरी एक जरूरी बात साथियों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व सांसद डॉक्टर उदित राज जी भी हमारे बीच आए हुए हैं। अभी वो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। लगातार देश भर में घूम घूम कर दलितों के बीच हम यह बात फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान हमारा जिस तरह होता है खलेरा भाई मौसेरा भाई, वैसे ही मुसलमान दलितों का दर्द का भाई है, क्योंकि दोनों उन सवर्ण हिंदुओं के सताए हुए हैं। अभी हम उनकी भी बात सुनेंगे। एक दो और बात है साथियों, जिस सवाल पर आपसे हम जरूर बात करेंगे। जिस तरह आज हम आपके साथ आपकी लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं, आपसे हम अपील करते हैं कि आरक्षण की हमारी लड़ाई में आप भी हमारे साथ हर बार खड़े हैं। आपकी जो शिकायत है कि दलित हमारे साथ नहीं आ रहे हैं, हम इस बात का दावा करते हैं कि आपकी वह शिकायत भी दूर हो जाएगी जब हम आपकी लड़ाई के साथ आते हैं। आप भी हमारी लड़ाई के साथ शामिल हो जाइए, तब क्या जो दलित मुस्लिम गठजोड़ है, यह गठजोड़ ऐसा मजबूत हो जाएगा। ये अमित शाह मोहन भागवत इसकी औकात भी क्या है? दलित मुस्लिम एकता के माध्यम से ही इस यह जो इसका गठजोड़ है उसको रंगा पिल्ला की है, जो चोरी है उसको तोड़ी जाएगी। साथियों, इस भ्रम में मत रहिएगा कि जनता के बीच जा नहीं रही है बात।
जनता के बीच हर बात जा रही है, लेकिन एक और बात का हम लोगों को ध्यान रखना है। ये तो पश्चिम बंगाल का मामला थोड़ा सा अलग हो जाता है राजनीतिक वजहों की वजह से, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में मीडिया ने यह खेल खेल दिया है आसानी से। इसको CAA और NRC को बता दिया है कि यह हिंदू वर्सेस मुसलमान का मामला है। हम इस सरकार को बता देना चाहते हैं, हम दलितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम दलितों की बात करते हैं, हम दलितों के सवाल पर लड़ते हैं, हर हकूक की लड़ाई लड़ते हैं। हम बता देना चाहते हैं, मेरे दादाजी का भी कोई बर्थ सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं है। मेरे दादा तो भैंस चराते थे, जमीन कहाँ से आया। तो मैं इस देश का दलित हूँ, मेरे पास कोई कागज नहीं है, इसलिए हम कागज नहीं दिखाएंगे। इस देश का आदिवासी जिसको विकास के नाम पर जल जंगल जमीन उसका छीन कर विकास के नाम पर अडानी और अंबानी को दे दिया जाता है, उसको तो जंगल से खदेड़ दिया जाता है, वो कहां से कागज दिखाएगा। तो यह कानून दलितों के साथ साथ आदिवासियों के भी खिलाफ है। यह कानून इस देश के पिछड़ों के खिलाफ है, जो ठेला चलाने वाला, जो कुली है, जो मजदूरी करता है, जो सर पर ईटा ढोता है, जो गाड़ी चलाता है, टेम्पो चलाता है, वो अपने पिताजी का बर्थ सर्टिफिकेट कहां से लाएगा भाइयों। तो यह कानून टेम्पो चलाने वाले के खिलाफ है, यह कानून मजदूरी करने वाले के खिलाफ है, यह कानून कुलियों के खिलाफ है, यह कानून गरीबों के खिलाफ है। कुल मिलाकर यह कानून देश की जनता के खिलाफ है, और देश की जनता ने यह तय कर लिया है, इस लड़ाई को जीतने तक जारी रखी जाएगी। और इस बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, इस देश का दलित इस पूरी लड़ाई में मुसलमानों के साथ टंकर खड़ा है, कंधे से कंधा मिलाकर तब तक लड़ता रहेगा जब तक हम इस रंगा बिल्ला की चोरी को हैरान नहीं करें। जय भीम, जय भारत सर।